हम निशा जी के थ्रू आपके पास आए, उन्होंने मेरे को ये बोला कि आप अगर इंटीरियर डिजाइनर ढूंढ रहे हो तो बुटफार को दे दो, शशांक जी को दे दो, और फिर भूल जाओ आप, अपने आप ही ऐसा बना के देंगे ना, वो भी टेंशन ही खत्म, बोले उनको दे दो और टेंशन दूरी को दे दो, अपने बना बना के अच्छा बना के देंगे, तो वैसे ही हुआ। हम अच्छे मकान की तलाश में थे, पास में ही हमको उस मकान के नज़दीक में ही दूसरा मकान अवेलेबल हो गया जैसा हम चाहते थे, उससे भी अच्छा मकान मिल गया। मुझे यहाँ लिफ्ट भी मिल गई, यहाँ मंदिर का भी प्रोविजन हमने इस मकान में मिल गया, तो फिर पूजा पाठ भी यहाँ अच्छे से हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। अच्छा पॉजिटिव, और ज़्यादा पॉजिटिव हुआ, बहुत अच्छा था, लेकिन यहाँ पे और ज़्यादा पॉजिटिव हो गया, और जो घर का आप लोगों ने किया है बुटफा ने, बिल्कुल पॉजिटिव कर दिया इस मकान को, और जब उन लोगों ने लिया तब थोड़ा बैकेज था, तो फिर आपसे मैं मिला तो आप लोगों ने बताया कि नहीं इसको इस करके इसका, तो इससे और अच्छा लग गया, मतलब जब घर में घुसते हैं तो एक पॉजिटिव फील आती है कि सब कुछ खुला खुला, वाइट रोशनी, ये रही तो अच्छा है। कि तो बोल रहे जैसे आपसे पॉजिटिव वाइब आ रही है पूरी, तो पॉजिटिव वाइब है, पॉजिटिविटी तो है ही, और एक वाइट देख के थोड़ा सा लुक एकदम ग्रैंड हो जाता है, एक हॉल का भी लुक ग्रैंड है, घर का भी सारा आपने जो लिए पीसेस शेड लिए, तो इससे ही थोड़ा सा पॉजिटिविटी फीलिंग आती है, और एक अच्छा रहता है, सूदिंग लगता है जब आप आओ तो। पर डार्कर टोन में ये हो जाता है कि एक डल डल सा फीलिंग होता है, आप भी लो फील करते हो, इसमें आके एनर्जेटिक फील होता है बहुत ज़्यादा, बोले बस इट्स टोटली ऑपोजिट, आप क्या करता, दे वर लाइकिंग दैट ऑल्सो, उनको वो भी पसंद आ रहा था, बट ये आकर तुमने आपने पूरा लुक ही चेंज कर दिया एकदम ही, तो थैंक्स टू ओडाफो जो किया है आपने, बट एवरी वन अप्रिशिएटेड इट, ये इट इज़ अ मेन, तो हॉल का सब एकदम सबको लग ग्रैंड लुक लग रहा है, वाइट से ना बहुत ग्रैंड लुक लग रहा है, इट्स वेरी अच्छा। जब हम लोगों ने लिया था तो रिलेटिव वो भी था, जब हमको जस्ट आना था और रहना था, तो प्लेस था बिल्कुल, कुछ भी इसमें चेंज करने की जरूरत नहीं थी, एक एक चीज़ लगी हुई थी, लेकिन पूरा हमने कर दिया, उस चेंज कर दिया, आपने चेंज कर दिया हमने मंदिर हो जाने से, और पूरे हॉल में वाइटनेस और वैसा वातावरण मिलने से ज़्यादा एनर्जी, ऐसा फीलिंग होता है कि पहले से ज़्यादा एनर्जी इस मकान में मुझे महसूस होती है, और शांति प्राप्त होती है इस मकान में आने से, सारा वाइट और लाइटिंग वगैरह डेकोरेशन वगैरह देख करके मन में एक शांति सी फीलिंग होती है कि उस मकान से हम यहाँ ज़्यादा अच्छे रूप पे आए हैं। फिर क्या था सुशांत जी, हमारा जो वहाँ पे मंदिर था ना ऊपर एरिया में था, तो अगर पापा लोग पूजा पाठ माला जो भी करते हैं तो लोग आ रहे थे जा रहे थे, तो सब दिखता था उसमें, डिस्टर्बिंग भी था, तभी भी चल रहा है, बैठे भी हैं लोग, खाना भी वहाँ पे खा रहे हैं, फिर ये होगा कि कहाँ पर मंदिर बनाए कैसे बनाए, तो फिर आपकी टीम आई इशिका जी और आप लोग सब लोग आए, तो ये डिसाइड हुआ कि ये एरिया अपन अलग कर देते हैं, इसमें आज का वो लगा के पूरा इसको बंद करके एक ये अलग ही एरिया हो जाएगा आपका, आपको जितना पूजा पाठ करना हो अंदर करो, और सुंदर तो आपने देखा ये कितना सुंदर मंदिर बना। बेसिकली इसका करंट तो मैं मेरी मदर इन लॉ को देती हूँ, वो क्योंकि मैं उनको देखती थी वहाँ पे, कभी भी बैठ जाती थी हॉल में, मुझे नहीं अच्छा लगता था कि हॉल में टीवी चल रहा है और वो जॉब कर रही है, तो मेरे दिमाग में शुरू से था कि इधर एक अंदर प्राइवेट एरिया देंगे तो ताकि वो वहाँ बैठ के कर सके, सही चीज़ मैं तो उनको देख के मुझे लगता था मैंने नहीं उनके लिए करूँगी, बट देखो डेस्टिनी देखो वो पहले ही चले गए, बट फिर भी हमने लगा सोचा कि हमने सोच रखा है तो हम बनाएंगे, वहाँ पे इतना डिस्ट्रैक्शन था कि टीवी चल रहा है, कोई वहीं पे भी खा रहा है वहीं पे, और वहीं पे पार्ट हो रहा है, तो बच्चे लोग बोलते क्या हो रहा है ये इसमें, मतलब वो पॉजिटिवली आती नहीं थी कि आप दर्शन कर लो, वो आप मत नहीं पूछेंगे तो बेहतर रहेगा, क्योंकि वो सबको पता है मेरा बालकनी किचन के बाहर एक बालकनी है, वो मुझे बहुत मेरा स्पेस लगता है, क्योंकि वहाँ से नीचे वो दिखता है पूरा पार्क दिखता है, तो सुबह सुबह जो बर्ड चर्पिंग होती है, वो प्लांट दिखते हैं, वो एक अलग ही लुक आता है, तो सुबह सुबह मेरा फिक्स है 5:30-6 बजे मैं वहाँ बैठती हूँ अपनी एक चाय पीती हूँ, तो वो तो मेरा पर्सनल एरिया है, जबकि उसमें कुछ वोडाफोन का है नहीं, बट वो मेरा एरिया है, घर का एरिया मेरा सर पे, बाकी सारा वोडाफोन ने किया है, लेकिन एक वो एरिया होता है ना जहाँ आपको एक सुकून मिलता है, और मैं क्या हूँ हाउस वाइफ, तो मैं अपनी जगह स्पेस ही ढूंढूंगी, हाँ आई वॉज वेट पर्टिकुलर अबाउट माई डॉटर्स रूम एंड माई रूम, तो डॉटर्स रूम तो अप टू द मार्क मुझे बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही बेटर, और उसमें वाइट आपने जो दे रखा है ना, विद टाइल्स का जो कॉम्बिनेशन उसमें दे रखा है, इट्स टू गुड अमेजिंग, तो जो भी आता है सब पर्सन यही बोलता है कि ये रूम आउटस्टैंडिंग है, मतलब इट इज समथिंग डिफरेंट, वाइट इसमें लुक जो दे रखा है ना बहुत ही अच्छा है, पूरे घर पे मतलब कहीं भी बताए जाने वाले भी अच्छे पास भी उधर उधर मतलब सब जगह बहुत अच्छी लगती है, कहीं पे भी जाओ कहीं भी, लेकिन घर तो देखो सबको अच्छा लगता है, देखो तरह पर एक माइस्टर वो है स्टडी टेबल्स, तो मेरे को अच्छा लगता है कि मैं वहाँ पे बैठ के कंप्यूटर खोल के वहाँ बैठ के अपना कोई भी काम करूँ, तो
मन करता ही बाहर उधर जाओ, कोई भी काम करना उधर ही बैठो। हमारे लिए तो बहुत अच्छा हो गया, हमें तो मंदिर में बहुत शांति मिलती है, घंटा दो घंटा में बैठ जाता हूँ आराम से, पूजा पाठ शांति के साथ हो जाता है और मन भी लगता है, भगवान में भी मन लगता है, पाठ में भी, पूजा पाठ में भी मन लगता है, डिस्टर्बेंस नहीं होता कोई, किसी तरह का डिस्टर्ब नहीं होता। वो तो यही रहता था कि हमने कर तो लिया बट विल इट वर्क और नॉट, एक हमेशा रहते कि यस और नो, मतलब अच्छा लगेगा नहीं लगेगा, एंड देन उसको हम सोचते रहते फिर शायद वापस हम मीट करते बोलते अच्छा लगेगा, फिर वो कन्विंस करते तो ठीक है, नहीं तो हम सब कन्विंस करते थे कि अच्छा नहीं लगेगा, एंड यू हैव टू चेंज इट, चलता है ऐसे ही होता है आई थिंक सो, यही इसी दिस हाउ इट वर्क्स। लोग आते थे देखते थे पूरा अच्छा लगा, मतलब सब मिला के सबको बहुत अच्छा लगा कि आप लोग अच्छी जगह आ गए, उसका आपका मंदिर जाना आना चालू हो जाएगा, हम लोग भी आएंगे, जो पापा के दोस्त लोग थे उनकी एज भी है 70+, तो बोले वहाँ नहीं आना, आप आते थे तो यहाँ पे हम लोग भी रोज ही आएंगे, तो इस तरीके से लोग बोल रहे थे तो अच्छा लगा, मतलब कुछ मिला भी बहुत अच्छा लगा। एवरीवन स्टार्टेड रैंकिंग कि दिस इज द बेस्ट फील, सबने लाइक किया मेरे रूम को, इसकी वजह ये थी कि मेरा एक तो रूम जो है एरी है और ओपन टू स्काई, मेरे रूम से ही दिखता है, पलंग से मैं आसमान में रात में चांद तारे देख सकता हूँ रात में भी, और धूप आती है सबसे बड़े, मुझे जो ज़रूरत थी धूप की वो मेरे रूम में दोपहर में आफ्टरनून के बाद पूरी शाम तक धूप रहती है, हालांकि जो सोच के लिया था मेरी वाइफ का बीच में देवलोक हो गया वो नहीं आ पाई इस मकान में, शुरू शुरू में ज़रूर आई थी जब हमने मकान लिया था तो पूजा पाठ कराने के लिए, वो दिवाली के टाइम पे मुहूर्त में आई थी दो तीन बार, देख के भी गई थी, परंतु पता नहीं क्या ऐसा संजोग बैठा कि जो है उसको इस मकान में आना उसके लिए नहीं दिखा था। ये हम लोगों की होल्डिंग दी थी ना ईशिका ने, ये पहले नहीं था, हम लोगों को मन नहीं था दे कि नहीं दे, फिर उसने बताया कि नहीं हम होल्डिंग दो, फिर उसने ऐसे ऐसे डिजाइन किया कि यहाँ पे हम लोग ये देंगे लाइक शैंडलियर देंगे इस तरीके से, तो वो जो निकल के आया ना बाद में वो बहुत अच्छा था, हम लोग के मूड में बन भी नहीं था, हमने बना हुआ है इसको पाँच को हटाओ बस या तो थोड़ा सा ठीक कर दो, लेकिन बहुत अच्छा डिजाइन करके उसने दिया ना, सर ये जो एरिया निकल गया है ना रात को जब खुल जाता है देखता है लाइट वाइट जलती हुई, और वो बहुत अच्छा मंदिर नहीं था, एक्सपेक्टेड था बट देन ऑल्सो बस एक लग रहा था कि ये ऐसा ना हो कि डिस्ट्रक्टेड हो जाए, हॉल में कुछ लगे, ये हॉल छोटा लगे, थोड़ा सा वो हो जाए, मतलब थोड़ा सा लग रहा था माइंड में, जब पहले ओपन था आपने देखा होगा जब मुहूर्त था तो पूरा ओपन था, वो इतना ग्रैंड लुक दे रहा था और सबको बहुत अच्छा लग रहा था, तो एक बार तो यह है कि लगाए कि नहीं क्यूबिकल कि ऐसे ही अच्छा लग रहा है तो रहने देते हैं, ये मन में था कि क्यूबिकल लगे अपना हॉल छोटा नहीं लगना लग जाए, बट नो इट्स वर्थ इट, मतलब सबको बहुत अच्छा लग रहा है कि एक सेपरेट एरिया हो गया एंड दैट इज़ अ पॉजिटिव वाइब की है, चलो अच्छी चीज़ लग रही है कि मंदिर सेपरेट एरिया आप कभी भी बैठ सकते हो उसमें। ये जो आपने लगाया लेमिनेशन वगैरह जो लगाया ऐसा लगता है मार्बल लगा रखा आपने, तो ये इससे थोड़ा लुक बेटर आता है, अच्छा फीलिंग महसूस होता है, जो भी आता है वो यही पूछता है कि इसको किससे डिजाइन किया, तो हम आपके लोगों के बारे में बताते हैं कि भाई उन्होंने यही सारा नक्शा बनाया है पुराना सारा, जो हमारा पुराना बना हुआ था उसको पूरा चेंज करके उन्होंने ये नया रूप दिया है इसको, जो देखने से और आप लोगों को भी देखने से अच्छा लगता है, इसलिए सब अप्रिशिएट करते हैं इस चीज़ को, जो भी आता है वो कहता है कि बहुत अच्छा बनाया है, बहुत सुंदर बनाया है, तो इससे मन में शांति होती है, हमको भी तसल्ली मिलती है कि नहीं हमने जो चूज किया है वो हमारे हिसाब से अच्छा बन गया, उससे भी बेटर बन गया। हम निशा जी के थ्रू आपके पास आए, उन्होंने मेरे को ये बोला कि आप अगर इंटीरियर डिजाइनर ढूंढ रहे हो तो बुटफाप को दे दो, शशांक जी को दे दो फिर भूल जाओ आप, अपने आप ही ऐसा बना के देंगे ना, वो भी टेंशन ही खत्म, बोले उनको दे दो और टेंशन भी नहीं, वो दे दो अपने बना के अच्छा बना के देंगे, तो वैसे ही हुआ कि किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आई नहीं, हम लोग ने भी एक दो बार ही बात करी होगी शशांक जी ये दिक्कत कुछ प्रॉब्लम नहीं आई तो क्या बात करी, अपने आप आपकी टीम आती थी सुबह शाम को अपना काम करके अपने आप चली जाती थी, साफ सफाई रखती थी, अच्छा रहा मतलब अच्छा रहा, तो हमने वो फॉर्म दे दिया। I would like to visit more Kirti Nagar and the Thuruvar team for more decor items. I would like to go with them. Thank you. Yeah.